बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे आलमी दिन के ऊपर, डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के आलमी दिन के ऊपर, आज हमारे पास जो एक हमारे गेस्ट हैं उनकी बहुत काविशें हैं। ऑलरेडी वो बहुत काम करते हैं सोशल सर्विसेज के ऊपर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, और उनके जो काम होते हैं नॉर्मली वो शेयर भी नहीं करते, लेकिन जो है हमारे लिए इनकी बड़ी अहमियत है। तो हाफिज़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और सर आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, तारीफ उनके लिए ही बनी है। 1951 में ईदी फाउंडेशन की इब्तिदा हुई। अब्दुल सत्तार साहब ने ईदी फाउंडेशन को जहां पहुंचाया, यूजुअली बच्चे ऊपर से नीचे ही आते हैं, हर जगह यही देखा गया है, लेकिन इधर सिचुएशन कुछ और है। ईदी फाउंडेशन को फैसल साहब ने और बुलंदियों पर पहुँचा दिया। आज पाकिस्तान में अगर एम्बुलेंस मंगवानी हो तो कोई ये नहीं कहता कि एम्बुलेंस मंगवा लो, लोग कहते हैं कि ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस मंगवा लो। इसी तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ स्टूडियो में सलमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सुई गैस से है। इनके अंदर भी एक जज्बा है जो कि नॉर्मली, वैसे तो बहुत सारे इदारे के बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन इस तरीके से इतने जज्बे के साथ आके व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों के साथ इस तरीके से अफराद बहाम माजूर के साथ इंटरेक्ट करना, ये हर इंसान की क्वालिटी नहीं होती। तो इस क्वालिटी के साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू। मैं हूं बट्टू। मैं आप लोगों के नाम आपने नाम मुझे नाम पाना क्यों को तुझे से पूछते हैं। मैं परेशान ये बहुत अशरका जा रहा, क्यों मिलते नहीं होंगे फरिश्तों को यारा, क्यों रखते नहीं उनको ना तुम में ना तेरा, मैं खुद रखते रोशनी उनके लिए अंधेरा है क्यों मेरा सबसे सा...